इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। אזרחי ישראל, שבוע טוב. מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. तो देखा आपने क्या कहा, उन्होंने मॉनिटरिंग भी की थी हमले को, बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार जब ये हमला हुआ तो मॉनिटर कर रहे थे, ये भी जानकारी मिली थी। हूती पर हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि इजरायल ने कैसे हमला किया था और क्या कुछ इस दौरान हुआ था। जरा ये तस्वीर और मैप के जरिए समझने की कोशिश करिएगा कि ये इजराइल है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं बीच में ये वही पाथ है जहां पर व्यापार होता है। ये इजराइल है आपका, ये यमन है। दूरी बहुत है, यहाँ दूरी 1700 किलोमीटर की है, तो आप समझ सकते हैं कि दूरी बहुत है। यहाँ पर इजराइल आपका इस जगह पर है और नीचे आपका यमन है जहाँ हुदेदहा पर अटैक किया गया है। ये वही रीजन है जहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है। तो आप जैसा कि मैं आपको बता रही थी, दो रास्ते हैं, या तो आप नीचे यहाँ पर जहाज से जाइए या फिर आप हवाई यानी कि एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। जो यहाँ रास्ता अपनाया गया है और एयर स्ट्राइक की गई है, तो एयर स्ट्राइक हुई है, दूरी यहाँ पर 1700 किलोमीटर की है और इजराइल ने यमन पर जो हुदेदहा रीजन बताया जा रहा है वहां पर हमला किया है, बम छोड़े हैं, एयर स्ट्राइक की गई है। और यहां पर देखिए ये जो पाथ आप देख रहे हैं ये वही पाथ है, यहां पर व्यापार भी होता है। इजराइल की अगर आप बात करें तो फिलिस्तीन, ये वही बॉर्डर है जहां पर लगातार हमले और जंग की खबरें सामने आती हैं और ये वही इलाका है जहां पर लगातार जो हलचल मची हुई है वो देखने को मिल रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और लगातार इस जंग को शांत कराने, सुलझाने के लिए तमाम देश भी कोशिश कर रहे हैं। भारत की तरफ से भी कहा गया था, लेकिन जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें किस फाइटर जेट का, क्योंकि एयर स्ट्राइक हुई है, किस फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ है वो आपको बता देते हैं। वो है F-15 का इस्तेमाल। अमेरिका में ये लड़ाकू विमान बनाए, क्योंकि देखिए इजराइल की जो सहायता है वो अमेरिका लगातार कर रहा है। 2660 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये काम करता है। ऑल वेदर मटेरियल इससे इसमें लगाया गया है, कोई भी वेदर हो ये सही से काम करेगा। स्ट्राइक फाइटर हवा और जमीन पर वॉर में सक्षम है, यानी कि ये वॉर फ्लोर की बात करें, जमीन की बात करें, या हवा में भी सक्षम रहता है फाइट के लिए, लड़ाई के लिए। अब इजराइल का बदला पूरा हुआ कि नहीं ये सवाल है, क्योंकि याद होगा आपको 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमला होता है और वहां पर एयर स्ट्राइक की जाती है और इजराइल ने हूती से बदला लिया, इसे उस ओर देखा जा रहा है। हूती ने इजराइल पर हमला किया था, वो तस्वीर आपको याद होंगी, और शुक्रवार को ड्रोन से अटैक किया। हमले में एक इजरायली की मौत हुई है और 4 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं, ये भी जानकारी है। अब तक 200 बार हमला कर चुकी है हूती। इजराइल ने हूती पर जवाबी कार्रवाई की है और इजराइल की तरफ से ये बदला लिया गया है कहा जा रहा है। बोला ये भी गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से हमला करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और आप देखते होंगे इजराइल की जो टेंडेंसी है, मॉडस ऑपरेंडी है, वो यही है कि जब वो डिस्ट्रॉय करने पर आता है तो इसी तरीके से काम करता है। अब हूती क्या करेगा, क्योंकि हूती भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, तभी तो ये जंग इतना लंबा समय हो गया चल रही है। इजराइल के हमले से हूती भड़केगा और ईरान की मदद, ईरान जो आप मैप देख रहे थे जस्ट ऊपर, वहां मदद ले सकता है और फिर उसकी मदद से हमला कर सकता है। हूती विद्रोहियों को हथियार दे रहा है ईरान, ये भी जानकारी है कि ईरान हथियार सप्लाई करता है जिससे उसको मदद मिलती है। इजराइल पर हमले के लिए हथियार दिए जा रहे हैं। ईरान ने हूती पर हमले की निंदा की, इजराइल ने ईरान को चेतावनी भी दी थी, क्योंकि जो ये खबरें मिल रही थी कि जिस तरीके से मदद हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है, सप्लाई हो रही है हथियार, उसको लेकर कहा था। इजराइल के हमले पर हूती विद्रोहियों का जवाब भी सामने आया, क्या कहा सुनिए। عدوانا غاشما على محافظة الحديدة حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية।
तो ये क्या कुछ कहा गया वो हम आपको सुनवा रहे थे, जहां कहा गया है कि संकोच नहीं करेंगे, अगर यहां पर बदला लेने की जरूरत हुई तो लिया जाएगा। अब पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो ईरान और उसके समर्थकों पर दबाव बनाए, ईरान की बुराई के खिलाफ खड़े हों, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा हुती, हमास और हिजबुल्ला पर दबाव बनाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग की सुरक्षा में मदद करें, ये उन्होंने आईसीजे से कहा है। क्योंकि देखिए जो पाथ आप देख रहे थे वहां पर महाव्यापार होता है और उसमें भी परेशानी। अब आईसीजे से इजराइल का इजराइल को क्यों झटका लगा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। इजराइल फिलिस्तीन पर आईसीजे का बड़ा फैसला और इजराइल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा है, ये आईसीजे ने कहा। आईसीजे ने कहा कि इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि 1967 में जो कब्जा किया था इजराइल ने कुछ इलाकों पर, उसको लेकर आईसीजे ने कहा है। लेकिन इस पर इजराइल का भी जवाब आया है। आईसीजे ने कहा इजराइल ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, फिलिस्तीनियों के अधिकार को छीन लिया गया है, इजराइल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, इजराइल को फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए, वो जो कब्जा किया रीजन को वो छोड़ देना चाहिए। लेकिन आईसीजे ने इजराइल को फटकारा क्यों, ये आपको बता देते हैं। दरअसल इजराइल ने 1967 में अरब देशों को हराकर इसमें मदद भी ली थी। वो समय है जब ब्रिटेन कई देशों पर राज कर रहा था, वेस्ट बैंक पूर्वी यरूशलम पर कब्जा कर लिया था और इजराइल ने गाजा पट्टी पर भी कब्जा किया था। इसी को लेकर अब आईसीजे ने कहा है कि आपको इसे छोड़ देना चाहिए, गलत। आईसीजे ने इन्हीं इलाकों को लेकर टिप्पणी की है। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया यह हमको बता रहे हैं। लगातार देखिए इस पूरे मामले पर देशों की तरफ से, अगर तमाम देशों की बात करें तो कहा जा रहा है कि इसे सुलझा लेना चाहिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश प्रहार में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। ישראל, שבוע טוב. מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. तो देखा आपने क्या कहा, उन्होंने मॉनिटरिंग भी की थी हमले को, बेंजामिन नेतन्याहू ने। लगातार जब ये हमला हुआ तो मॉनिटर कर रहे थे, ये भी जानकारी मिली थी। हुती पर हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा यह हमने आपको सुनाया। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि इजराइल ने कैसे हमला किया था और क्या कुछ इस दौरान हुआ था। जरा ये तस्वीर और मैप के जरिए समझने की कोशिश करिएगा कि ये इजराइल है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं बीच में ये वही पाथ है जहां पर व्यापार होता है। ये इजराइल है आपका, ये यमन है। दूरी बहुत है, यहाँ दूरी 1700 किलोमीटर की है, तो आप समझ सकते हैं कि दूरी बहुत है। यहाँ पर इजराइल आपका इस जगह पर है और नीचे आपका यमन है जहाँ हुदेदहा पर अटैक किया गया है। ये वही रीजन है जहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है। तो आप जैसा कि मैं आपको बता रही थी, दो रास्ते हैं, या तो आप नीचे यहाँ पर जहाज से जाइए या फिर आप हवाई यानी कि एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। जो यहाँ रास्ता अपनाया गया है और एयर स्ट्राइक की गई है, तो एयर स्ट्राइक हुई है, दूरी यहाँ पर 1700 किलोमीटर की है और इजराइल ने यमन पर जो हुदेदहा रीजन बताया जा रहा है वहां पर हमला किया है, बम छोड़े हैं, एयर स्ट्राइक की गई है। और यहाँ पर देखिए ये जो पाथ आप देख रहे हैं ये वही पाथ है, यहाँ पर व्यापार भी होता है। इजराइल की अगर आप बात करें तो फिलिस्तीन, ये वही बॉर्डर है जहां पर लगातार हमले और जंग की खबरें सामने आती हैं और ये वही इलाका है जहां पर लगातार जो हलचल मची हुई है वो देखने को मिल रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और लगातार इस जंग को शांत कराने, सुलझाने के लिए तमाम देश भी कोशिश कर रहे हैं, भारत की तरफ से भी कहा गया था। लेकिन जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें किस फाइटर जेट का, क्योंकि एयर स्ट्राइक हुई है, किस फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ है वो आपको बता देते हैं। वो है F-15 का इस्तेमाल। अमेरिका में ये लड़ाकू विमान बनाए, क्योंकि देखिए इजराइल की जो सहायता है वो अमेरिका लगातार कर रहा है। 2660 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये काम करता है। ऑल वेदर मटेरियल इससे इसमें लगाया गया है, कोई भी वेदर हो ये सही से काम करेगा। स्ट्राइक फाइटर हवा और जमीन पर वॉर में सक्षम है, यानी कि ये वॉर फ्लोर की बात करें, जमीन की बात करें, या हवा में भी सक्षम रहता है फाइट के लिए, लड़ाई के लिए। अब इजराइल का बदला पूरा हुआ कि नहीं ये सवाल है, क्योंकि
याद होगा आपको 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमला होता है और वहां पर एयर स्ट्राइक की जाती है और इसराइल ने हूती से बदला लिया। इसे उस ओर देखा जा रहा है, हूती ने इसराइल पर हमला किया था, वो तस्वीर आपको याद होंगी, और शुक्रवार को ड्रोन से अटैक किया। हमले में एक इजरायली की मौत हुई है और 4 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं, ये भी जानकारी है। अब तक 200 बार हमला कर चुकी है हूती। इसराइल ने हूती पर जवाबी कार्रवाई की है और इसराइल की तरफ से ये बदला लिया गया है, कहा जा रहा है। बोला ये भी गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से हमला करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और आप देखते होंगे इसराइल की जो टेंडेंसी है, मॉडस ऑपरेंडी है, वो यही है कि जब वो डिस्ट्रॉय करने पर आता है तो इसी तरीके से काम करता है। अब हूती क्या करेगा, क्योंकि हूती भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, तभी तो ये जंग इतना लंबा समय हो गया चल रही है। इसराइल के हमले से हूती भड़केगा और ईरान की मदद, ईरान जो आप मैप देख रहे थे जस्ट ऊपर, वहां मदद ले सकता है और फिर उसकी मदद से हमला कर सकता है। हूती विद्रोहियों को हथियार दे रहा है ईरान, ये भी जानकारी है कि ईरान हथियार सप्लाई करता है जिससे उसको मदद मिलती है। इसराइल पर हमले के लिए हथियार दिए जा रहे हैं। ईरान ने हूती पर हमले की निंदा की। इसराइल ने ईरान को चेतावनी भी दी थी, क्योंकि जो ये खबरें मिल रही थी कि जिस तरीके से मदद हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है, सप्लाई हो रही है हथियार, उसको लेकर कहा था। इसराइल के हमले पर हूती विद्रोहियों का जवाब भी सामने आया, क्या कहा सुनिए। عدوانا غاشما على محافظة الحديدة حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية। तो ये क्या कुछ कहा गया वो हम आपको सुनवा रहे थे, जहां कहा गया है कि संकोच नहीं करेंगे, अगर यहां पर बदला लेने की जरूरत हुई तो लिया जाएगा। अब पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो ईरान और उसके समर्थकों पर दबाव बनाए, ईरान की बुराई के खिलाफ खड़े हों, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा हूती, हमास और हिजबुल्ला पर दबाव बनाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग की सुरक्षा में मदद करें, ये उन्होंने ICJ से कहा है। क्योंकि देखिए जो पाथ आप देख रहे थे वहां पर महाव्यापार होता है और उसमें भी परेशानी। अब ICJ से इजराइल का इसराइल को क्यों झटका लगा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। इसराइल फिलिस्तीन पर ICJ का बड़ा फैसला और इसराइल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा है, ये ICJ ने कहा। ICJ ने कहा कि इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि 1967 में जो कब्जा किया था इसराइल ने कुछ इलाकों पर, उसको लेकर ICJ ने कहा है। लेकिन इस पर इसराइल का भी जवाब आया है। ICJ ने कहा इसराइल ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, फिलिस्तीनियों के अधिकार को छीन लिया गया है, इजराइल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, इजराइल को फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए, वो जो कब्जा किया रीजन को वो छोड़ देना चाहिए। लेकिन ICJ ने इजराइल को फटकारा क्यों, ये आपको बता देते हैं। दरअसल इजराइल ने 1967 में अरब देशों को हराकर इसमें मदद भी ली थी। वो समय है जब ब्रिटेन कई देशों पर राज कर रहा था, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम पर कब्जा कर लिया था और इसराइल ने गाजा पट्टी पर भी कब्जा किया था। इसी को लेकर अब ICJ ने कहा है कि आपको इसे छोड़ देना चाहिए, गलत। ICJ ने इन्हीं इलाकों को लेकर टिप्पणी की है। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया यह हमको बता रहे हैं। लगातार देखिए इस पूरे मामले पर देशों की तरफ से, अगर तमाम देशों की बात करें तो कहा जा रहा है कि इसे सुलझा लेना चाहिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश प्रहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।